एक और बंदा अभी बगा बगा आएगा तो भाई देखना उसका मैं कैसे स्टोर भरता हूँ सालेगा। ओ भाई पैरों में गिर गया, ततास्तु बालक ततास्तु। भाई भी उसको मारते हैं साले को, AWM का शॉट मारा जिससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओ भाई 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 इसने भी भाई बिल्कुल ही भाई अभी अपन लोग मर जाते गाइस। क्यों क्या हुई? क्योंकि भाई साहब मैंने उस बंदे के ऊपर RPG चलाई तो भाई वो अपने ऊपर ही चल गई और भाई अपनी हेल्थ बिल्कुल ही थोड़ी सी बची। अच्छा वो के अंदर पेट ही रहा था तभी एक बंदे ने RPG चलाई भाई बिल्कुल ही और एक ही बार में अपना सर्वनाश कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया साले ने। तो हे गाइस आज हम लोग दोबारा से प्ले करने जा रहे हैं सर्वाइवल फायर बैटल ग्राउंड ऑफलाइन गेम और उसके अंदर अपन लोग पूरे 22 किल करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और अपन लोग बैठ चुके हैं अपने एरोप्लेन के अंदर और जल्दी से नीचे की तरफ जंप मारते हैं और अपन लोग उतरने वाले हैं हड्डू के अंदर क्योंकि भाई वहां पे बहुत ही ज्यादा बंदे आते हैं और पूरे 22 किल में उसी के अंदर करने वाला हूं। तो और करना जंप मार दिया है और यहाँ पे मेरे को हेल्थ किट मिल चुका है तो झोला उला कुछ भी नहीं है तो मैंने चड्डी के अंदर रख लिया है भाई मेरे हेल्थ किट को और जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का टोपा और लेवल 3 का बैग मिल चुका है और नीचे की तरफ जंप मारते हैं और अगले वाले घर के अंदर चलते हैं। इस घर में तो भाई वेपन्स कुछ भी नहीं पटक रखा भाई तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग अगले घर के अंदर चलते हैं और वहां पे कुछ कलेक्ट करते हैं कुछ सामान मिले तो और यहां पे मेरे को RPG मिल चुकी है तो भाई इसी से काम चलाएंगे अभी तो और ऊपर की तरफ चलते हैं भाई कुछ गन वन मिल जाए तो अच्छी रहे। और यहां पे मेरे को देसी कट्टा मतलब पिस्तौल मिल चुकी है और लेवल 3 का टोपा भी था तो मैंने उसको ले लिया है क्योंकि भाई पहले से था ही सही लेकिन मैंने उसको भी नया ले लिया, मैंने कहा नया ब्रांड चाहिए अपने को तो। और यहां पे एक बंदा घूम ही रहा था तभी भाई मैंने एक ही बार में इसका सुअर भर दिया भाई पिस्तौल से ही और इसका नाम था भाई किंग क्योंकि इसका जो सिर पर जो बाल बने हुए हैं तो भाई वो बिल्कुल साफे की तरह मतलब वो क्राउन की तरह बने हुए हैं तो इसलिए इसका नाम था किंग। सस्ता किंग था साला। उस सामने की तरफ भाई एक और बंदा भी भगा भगा आएगा तो भाई देखना उसका मैं कैसे सुअर भरता हूँ सालेगा। ओ भाई पैरों में गिर गया ततास्तु बालक ततास्तु। भाई बिल्कुल ही उसको मारते मेरे पैरों पे गिर गया और जैसे मतलब वो साधु के पैरों में गिरते हैं ना भाई जैसे आदमी तो वैसे वैसे गिर गया। और एक और बंदा भगा भगा रहा था साला AWM लेके तो भाई उसको भी भाई एक ही बार में सुअर भरते हैं साले को और इसका नाम था पिग तो भाई सुअर के सुअर भर दिया अपन लोगों ने। और भाई एक और भाई दूसरे ये जो खिड़की घर दिख रहा है आप लोगों को तो इसका गेट है यहाँ पे एक बंदा निकला था जिसने हेयर कलर करवा रखा था भाई ब्लू कलर का तो भाई बिल्कुल ही अपन लोग चलते हैं और उसको मारते हैं साले को AWM का शॉट मारा जिससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओ भाई 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 इसने भी भाई बिल्कुल ही भाई अभी अपन लोग मर जाते गाइस। क्यों क्या हुई? क्योंकि भाई साहब मैंने उस बंदे के ऊपर RPG चलाई तो भाई वो अपने ऊपर ही चल गई और भाई अपनी हेल्थ बिल्कुल ही थोड़ी सी बची है। अच्छा वो बच गए भगवान की कृपा से नहीं तो एक ही बार में अपनी भी लाश भी जाती यहीं के यहीं पे। और जल्दी से अपन लोग हेल्थ किट लगाते हैं और चलते हैं इस घर के ऊपर और यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का टोपा मिल चुका है तो जल्दी से चलते हैं और बंदों का बिल्कुल ही पाद निकालते हैं सालों का। और मेरे पास है AWM और स्नाइपिंग किंग सामने आ चुका है। बंदो सावधान हो जाए सालों तुम्हारा एक ही बार में सुअर भर दूंगा। और जल्दी से इस घर के अंदर चलते हैं और कुछ बंदों को लपेटेंगे और यहाँ रेड कलर की नहीं बिल्कुल ही व्हाइट कलर की शर्ट पहन के एक बंदा आया और भाई मेरे सामने से निकल गया लेकिन मैंने उसके ऊपर RPG भी चलाई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और भाई इस घर के अंदर बंदे ने मेरे ऊपर RPG चलाई ना तो भाई उसी के ऊपर चल गई साले के ऊपर मतलब दीवार से टकरा गई वो गोली तो खुद ही मर गया था मेरे को मारने के चक्कर में खुद ही ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड तो नहीं किया था लेकिन भाई एक तरह सुसाइड बोल सकते हो आप लोग। और भाई इस केबिन के अंदर भाई गरोजा रखी हुई है तो जल्दी से अपन लोग इसके अंदर चलते हैं और गरोजा को उठा लेते हैं क्योंकि भाई गरोजा तो बहुत ही ज्यादा काम की चीज़ है बहुत ही अच्छी गन है तो जल्दी से अपन लोग इसको उठाते हैं और चलते हैं बंदों का सुअर बनने के लिए सालों का एक ही बार में कुत्ते की तरह मारेंगे बगा बगा के सालों को। और भाई बंदे अभी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, दिख जाओ बंदो दिख जाओ सालों एक बार तुम लोग तो मैप के अंदर देखते हैं भाई देखे बंदा दिख जाए तो। और बग्गी को उठाते हैं और चलते हैं बंदों को लपेटने के लिए। सामने की तरफ मेरे को बंदा दिख चुका है और मेरी बग्गी पे गोलियां चला रहा था। रुक जा बेटे रुक जा रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ओ भाई भाई रुक जा बेटे रुक जा हाँ। मैंने बोला था तेरे से। और भाई इसने भी भाई ब्लू कलर का हेयर कलर करवा रखा था ये भी बिल्कुल छपरी हो रहा था। और तरबूज का जो छिलका होता है ना तो उसका हेलमेट लगा रखा था मतलब फर्स्ट लेवल का हेलमेट। तो अपन लोग दूसरे बंदे को भी ढूंढते हैं वो भी भाई इधर उधर ही यहाँ के यहाँ पे छिपा हुआ है लेकिन मेरे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। क्या बात करते हो तो उसका भी भाई एक ही बार में सुअर भर देंगे। दिखे तो सही भाई वो बंदा एक बार मेरे को तो उससे जाना है और मैंने जाना है साले को। दल्ली से ढूंढते हैं अपन लोग उसको। रुक जा भाई बाहर तो। ओ भाई भाई आगे 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 बंदा आ गया। रुक जा बेटे तेरे भी सुअर भरता हूँ साले में। और इसका नाम था बोट तो भाई सही नाम था क्योंकि इसको भाई मैं दिख गया तभी गोलियां चलाई पागल बुद्धि का आदमी था साला। और जल्दी से अपन लोग चलते हैं और बंदे को ढूंढते हैं। और भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और बग्गी को उठाता हूँ और उसके बाद बंदों का सुअर भरेंगे सालों का।
ओ भाई ऊपर की तरफ उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है भाई, सस्ता स्पाइडर मैन हो रहा है साला। और जल्दी से अपन लोग चलते हैं और बंदे का सुअर बनते हैं। और सामने की तरफ मेरे को एक बंदा दिख चुका है और उसको मैं मारता हूं काल को भाई। मर गया साला। खत्म कर दिया साली को। एक ही बार में मैं बग्गी चढ़ा दी उसकी छाती पे, और एक ही बार में जैसे वो कुत्ता कुत्ते का बच्चे बोलते ना म्याऊं म्याऊं, तो वैसे वैसे ही करने लग गया साला। और यहाँ पे भाई अपनी बग्गी को रोकते हैं क्योंकि मेरे को मैप के अंदर बहुत ही सारे बंदे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो जल्दी से बंदों को ढूंढते हैं और उनका भी भाई बिल्कुल ही कुत्ते की तरफ भगा भगा के मारेंगे। और सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ था चुपचाप, कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, और उसका नाम था रिंकिया के पापा भाई। रिंकिया के पापा, हाँ भाई, मतलब जैसे थोड़े बूढ़ार थे, मतलब वृद्ध थे, तो भाई कुछ भी नहीं कर रहे थे, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि बूढ़ार, तो भाई उनके ज्यादा हाथ पैर काम नहीं करते वृद्ध लोगों के। और सामने की तरफ एक और बंदा मेरे को दिख चुका है जो कि मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था, और ऊपर तो टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे बिल्कुल ही कच्चा पहन रखा था साले ने। तो भाई बिल्कुल ही नीचे तो ढक लेता, नीचे तो चड्डा पहन लेता और ऊपर बनियान ही पहन लेता। तो भाई अपने तो समझ में आता है कि अपने पास तो भाई बिल्कुल ही गरीबी छा रही है, अपने तो अपने पास तो भाई कच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास तो अच्छी खासी टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट के बजाय बिल्कुल ही अच्छी वाली बनियान लेता और चड्डी लेता, चड्डी नहीं बिल्कुल ही चड्डा लेता, तो उसको पहनता बहुत ही बढ़िया फैशन हो जाती भाई। तो अपन लोग जल्दी से चलते हैं। और ए भाई एक और बंदा मेरे को दिख चुका है झोपड़ियों के यहाँ पे, और ये बंदा भी भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने इसके ऊपर इतनी गोलियां मारी और इसको लपेट भी दिया, और नाम तो देखो इनके बैड बॉय। कौन है साला बैड बॉय? तो देखो बैड बॉय ऐसे होते हैं क्या? बैड बॉय यार, बैड बॉय तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं भाई, लेकिन भाई इनके तो भाई शक्ल पे 12 बज रहे हैं और साले नाम रख देते हैं बैड बॉय। और ऊपर ऐसे अपन लोग आ चुके हैं अड्डू के अंदर, और जल्दी से यहाँ पे बंदों को ढूंढते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पे बंदा दिख चुका था मैप के अंदर। और फाइनली बंदे को मैंने लपेट दिया है, और उसके पास लेवल 3 का हेलमेट था, तो वैसे तो अपन ने पहले लगा रखा है उसका क्या रोल है, लेकिन भाई ले लेते हैं क्योंकि पुराने हेलमेट पे थोड़ी गोलियां मार दी थी बंदों ने, तो भाई नया वाला हेलमेट ले लेते हैं। और एक और बंदा भाई बिल्कुल ही बर्फ में घुस गया था, बिल्कुल स्नो में, तो भाई मैंने उसको लपेट दिया है, मैंने कहा बाहर निकल जा, मैंने कहा और भगवान के पास चला जा, मैंने कहा स्नो में क्या कर रहा है। और फाइनली मैंने उसको लपेट दिया है, और अपन लोग चलते हैं जल्दी से और बंदों को भी ढूंढते हैं और उनका भी सुअर भरते हैं सालों का। दो बंदे मेरे को दिख चुके हैं और एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया गाइस, लेकिन भाई मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने एक बंदे को मार दिया और अपना एक किल का नुकसान करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग जल्दी से चलते हैं और अगले वाले बंदे को ढूंढते हैं और उसका सुअर भरते हैं साले का। और बंदे अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो घर के अंदर छिप के बैठ गए होंगे भाई अपने डर के मारे, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इतना खौफ तो होना ही चाहिए बंदों के अंदर। अच्छा। और सामने की तरफ येलो कलर के घर के यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिख चुका है जो कि गेट के यहाँ पे खड़ा हुआ मेरे ऊपर गोलियां चला रहा था धड़ धड़ धड़, और उसका नाम था ऊप गेमर YT। तो भाई ये भी यूट्यूबर था साला, और मैंने इसको लपेट दिया है। और अपन लोग जल्दी से चलते हैं, और भाई मैप के अंदर मेरे को बहुत ही ज्यादा बंदे दिखा रहे हैं। और सामने की तरफ रेड कलर की टी शर्ट पहन के एक और बंदा आ चुका है, और उसका नाम था डायनासोर, तो डायनासोर की स्पेलिंग गलत लिख रखी है साले ने, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल ही बोटे है तो साले कुछ भी लिख देते हैं। और अपन लोग जल्दी से चलते हैं, सामने की तरफ मेरे को मैप में बहुत ज्यादा बंदे दिखा रहे हैं। अच्छा। एक या दो बंदा, और एक बंदा तो भाई मेरे सामने से निकल गया, लेकिन मेरे को इधर की तरफ बंदा दिखा रहा है, तो पहले इसको लपेटते हैं और उसके बाद दूसरे का गेम बजाएंगे। और यहाँ पे तो भाई RPG चल रही है, तो ओ भाई भाई इस बंदे ने भाई मतलब दूसरे बंदे को लपेट दिया, तो अपन लोग घर के अंदर नहीं चलेंगे क्योंकि भाई RPG को मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। बस हवा निकल गई, क्योंकि RPG अगर बंदा चला देता ना भाई, तो भाई एक ही बार में बचने के चांस तो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, मरते ही है। और सामने की तरफ एक और बंदा मेरे को दिख चुका है, और उसका नाम था गोस्ट, भूत था साला, भूत। तो भाई भूत था तो मेरे को दिख कैसे रहा था, पागल बनाते हैं साले, नाम कुछ भी रख देते हैं। और अपन लोग जल्दी से चलते हैं, और ओ भाई भाई यहाँ पे आस पास ही एक और बंदा है भाई, तो इस घर के अंदर ही होगा साला। ओ भाई भाई रुक जा बेटे, रुक जा रुक जा रुक जा, पीरो प्लेयर तो बाहर की तरफ घूम रहा है और साले नूब घर के अंदर बैठे हैं, और इसका नाम था रोड स्पाइक। ओ भाई नाम तो कुछ भी रख देते भाई, पागल बुद्धि के साले। और इसके पास तो भाई गरोजा, तो अपन लोग जल्दी से नई वाली गरोजा को ले लेते हैं, इसके बहुत ही ज्यादा स्क्रेच हो गए। और भाई एक और बंदा मेरे सामने घर के अंदर छिप चुका है, और उसके पास थी भाई साहब RPG, तो मैंने बंदे को बाहर से लपेट दिया, तो मैं घर के अंदर नहीं गया, मैंने कहा इसके पास RPG, अगर गलती से भी इसने अपने ऊपर चला दी तो एक बार में भाई अपने एक बार में मृत्यु दंड दे देगा ये, तो अपने को रिस्क लेना ही नहीं है भाई, बिल्कुल भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और अपन लोग जल्दी से चलते हैं और अगले वाले बंदे को
ढूंढते हैं और तुब्बर ऐसे उसका पार निकालते हैं और कुत्ते की तरफ भगा भगा के मारेंगे। और इधर की यहाँ पे मेरे को ऊपर जाने कौन गोलियां चला रहा था, तभी मेरे को एक बंदा दिखा जो कि बिल्कुल ही छपरी हो रखा था, ब्लू कलर करवा रखा था अपने हेयर पर, और मैंने उसको लपेट दिया इस साले को एक ही बार में, यमराज बन के उसके प्राणों को हर लिया। और जल्दी से अपन लोग चलते हैं और बंदों का दोबर ऐसे सुअर भरते हैं। अभी तो मेरे को बंदे दिखाई नहीं दे रहे, तो इस घर के अंदर चलते हैं और भाई बंदों को ढूंढते ही देखे कुछ मिल जाए तो। और यहाँ पे भाई मेरी गन में थोड़ी एमओ खत्म हो गई थी तो मैं एमओ लेने आया था, तो टॉमी मेरे को मिल चुकी है, तो भाई टॉमी की एमओ उठा लेते हैं क्योंकि यूएमपी है। हाँ तो यूएमपी थी शायद अपने पास पहले, तो उसकी गन में मतलब जो एमओ थी तो उसी में डलती है, तो टॉमी को मैंने उठा लिया है। और सामने की तरफ एक और बंदा आ चुका है जो कि भाई बिल्कुल अपने चरणों में गिर चुका है और माफी मांग रहा है, लेकिन अपन ने इसको लपेट दिया, इसने बहुत ही ज्यादा देरी कर दी और भाई इसने बिल्कुल अपनी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया था। तो अपन लोग जल्दी से हेल्थ किट लगाते हैं और चलते हैं दोबारा से आगे की तरफ, और अपने किल हो चुके हैं 21, तो एक और किल करना है। और भाई मैं यहाँ पे जा ही रहा था और थार के अंदर बैठ ही रहा था, तो यहाँ पे भाई मेरे को ड्रॉप दिखा, तो ड्रॉप के अंदर मैंने बिल्कुल मशीन हो गई तो उसको उठा लिया और मैं थार के अंदर बैठ ही रहा था, तभी एक बंदे ने आरपीजी चलाई भाई बिल्कुल और एक ही बार में अपना सर्वनाश कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया साले ने। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। Thanks for watching guys, love you all, thank you।